हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्पायर्ड मैकेनिकल। इस वीडियो में हम प्लेन स्केल की एक प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रॉब्लम देखिए किस तरीके से गिवन रहेगी। ए रूम ऑफ 1728 मीटर क्यूब वॉल्यूम इज शोन बाय ए क्यूब ऑफ 216 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम। एक कमरा है आपका जिसका कि वॉल्यूम कितना है, 1728 मीटर क्यूब है, ठीक है। और उसको हमने रिप्रेजेंट कैसे किया है, 216 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम के एक छोटे से क्यूब से, ठीक है। यानी रूम भी आपका क्यूबिकल शेप का है और एक क्यूबिकल हमारे पास अलग है, हमने इतने ज़्यादा वॉल्यूम को इतने छोटे से वॉल्यूम में रिप्रेजेंट कर दिया है। तो यहीं से आप RF का अंदाज़ा लगा लीजिए कि निकलने वाला है, यानी ये ड्राइंग लेंथ रहेगी आपकी और ये एक्चुअल वॉल्यूम रहेगा, ठीक है। इसको आगे डिस्कस करते हैं। फाइंड RF, सबसे पहले तो आपको रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन निकालना है एंड कंस्ट्रक्ट ए स्केल टू मेजर अप टू 50 मीटर, और एक स्केल बनाना है जो कि कितना लंबा माप सके, 50 मीटर वो माप सके। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मीटर में मांगा है और यहाँ मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब गिवन है। मार्क ए डिस्टेंस ऑफ 27 मीटर ऑन दिस स्केल। जो स्केल आप बनाने वाले हैं उसके ऊपर 27 मीटर मेजर करके दिखाइए। तो देखिए, ये तो है 1728 मीटर क्यूब वॉल्यूम कमरे का, ये तो है एक्चुअल वॉल्यूम और ये कौन सा है, ड्राइंग वॉल्यूम, या यूँ कह सकते हैं कि जो आपको आपने रिड्यूस कर दिया है वो वॉल्यूम। तो कितने गुना रिड्यूस किया है वो कौन बताता है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन बताता है वो, ठीक है। तो RF का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अभी देखिए ध्यान से फॉर्मूला। एक्चुअल में क्या होता है, ड्राइंग लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ होता है, लेकिन यहाँ पे ड्राइंग वॉल्यूम बाय एक्चुअल वॉल्यूम तो आएगा, लेकिन यूनिट्स किस में है, सेंटीमीटर क्यूब और मीटर क्यूब में है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्यूब रूट लेना पड़ेगा इसका। जैसे ही क्यूब रूट लेंगे आप 216/1728, तो 6 सेंटीमीटर अपन 12 मीटर आ जाएगा। लेकिन अभी हमारा काम खत्म हुआ नहीं है, तो काम खत्म कब होगा, जब हम इसको क्यूब रूट लेके इसको खत्म करेंगे। तो 6 सेंटीमीटर और 12 मीटर का यूनिट चेंज कैसे करेंगे आप, एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो आपने क्या कर दिया, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये आपका RF आ गया 1/200। तो पहले आपने तो प्रॉब्लम सॉल्व कर ली है, RF तो आपने फाइंड कर लिया। अब आपको लेंथ ऑफ स्केल निकालना है, तो क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, लेंथ ऑफ स्केल इज इक्वल टू RF इंटू मैक्सिमम लेंथ टू बी मेजर्ड, यानी स्केल कितनी लेंथ मेजर कर सकता है। तो 50 मीटर है, बच्चे यूनिट में कन्वर्जन में गलती करते हैं, तो देखिए 1/200 इंटू 50 तो कर दिया, तो मीटर को अब आप mm में बनाएंगे, ठीक है, mm में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम लेंथ जो है वो ज़्यादातर हमें किस में लेनी होती है, mm में ही लेनी होती है, ठीक। तो हमने इसको कन्वर्ट कर लिया एक मीटर में 1000 mm, तो फिर कन्वर्ट करने के बाद 250 mm ये लेंथ आ गई हमारी, ठीक है ना, 250 mm या यूँ कहें 25 सेंटीमीटर। तो अब हमें ड्राइंग करनी है, देखिए ड्राफ्टर की मदद से आप ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे और इसकी लेंथ कितनी रहेगी, 250 mm, या यूं कहें 25 सेंटीमीटर, ठीक है। 25 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ की जो कि कितने स्केल को रिप्रेजेंट कर रही है, 50 मीटर। अब इसने क्या बोला कि हमें 27 मीटर इस स्केल के ऊपर मेजर करके दिखाइए। तो अब ध्यान दीजिएगा बेटा, कितने पार्ट करने पड़ेंगे हमें 50 मीटर के, 5 पार्ट करने पड़ेंगे। हर एक पार्ट कितने रिप्रेजेंट करेगा, 10 मीटर को रिप्रेजेंट करेगा। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। देखिए 250 mm की लाइन है, इसके आप 5 हिस्से आसानी से कर लेंगे नीचे लाइन ड्रॉ करके, और वे ड्राफ्टर से पैरेलल करने की ज़रूरत हमें नहीं है, ठीक है। जो जहाँ ज़रूरत ना हो वहाँ किसी भी एक्यूट एंगल पर लाइन ड्रॉ करके और फिर डिवीज़न करके लास्ट पॉइंट को इस लास्ट पॉइंट से मिला के पैरेलल लाइन ड्रॉ करके दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमने इसके 5 पार्ट जैसे ही किए, और ये लेंथ कितनी लेंगे आप अपनी मर्जी से लेते हैं, ज़्यादातर हम क्या करते हैं, 2 सेंटीमीटर लेते हैं, ठीक है। 2 सेंटीमीटर की ये रेक्टेंगल बना दी और यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, नेमिंग कर दी 0, 10, 20, 30 और 40, ठीक है। ये 50 मीटर कैसे करेंगे, एक्सटेंशन लाइन ड्रॉ करके बीच में 50 मीटर लिखेंगे। अगर आप mm के अलावा कोई और यूनिट लिख रहे हैं इस स्केल के ऊपर, तो आपको लिखना पड़ेगा कि ये मीटर है, ठीक है। यहाँ 250 लिखा है, तो यहाँ हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये अंडरस्टूड है कि ये mm में ही है। RF भी लिख देंगे इज इक्वल टू 1/200, ठीक है। तो अब हमें शो कर क्या करना है, ये जो पार्ट बचा है ये कितने मीटर का है, 10 मीटर का। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम इस 10 मीटर के 10 भाग कर दें अगर इक्वल, तो क्या ये
एक एक मीटर का एक भाग नहीं बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा, क्योंकि हमें कितना मेजर करके दिखाना है, 27 मीटर। अब 0 से लेकर 20 मीटर तो हमारा यहाँ तक आ गया, लेकिन अब हमें 7 मीटर चाहिए। 7 मीटर कैसे रिप्रेजेंट हो सकता है, बच्चे अगर कन्फ्यूज रहें कि भाई इस मीटर के हमें कितने डिवीज़न करने हैं, तो ध्यान दीजिए ये डिवीज़न कितने का है हमारा, 10 मीटर का है। अगर हम 10 मीटर के 10 इक्वल पार्ट कर लेंगे तो फिर एक जो डिवीज़न है वो 1 मीटर का हो जाएगा। तो 0 से काउंट करना शुरू कीजिए, 7 तक एक्सटेंशन लाइन लगाई 2H पेंसिल से या 3H पेंसिल से, और ये H पेंसिल से हमने एरो हेड लगा के 27 मीटर को क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक, तो 27 मीटर रिप्रेजेंट करने के बाद ये दोनों मीटर आप क्या करेंगे, एक दूसरे की बिल्कुल एक सीध में ही लिखेंगे, ऊपर नीचे नहीं करेंगे, यहाँ भी मीटर लिखेंगे, यहाँ भी मीटर, यानी ये मीटर का कौन सा पार्ट है, ये 10th पार्ट है और ये सिंगल पार्ट है, ठीक है ना। तो 27 मीटर है तो इधर भी मीटर लिखेंगे और इधर भी आप मीटर ही लिखेंगे, अलग अलग यूनिट नहीं रिप्रेजेंट कर रहा। तो मैंने जिस दिन प्लेन स्केल कराया था उस दिन बताया था कि एक यूनिट और उसके सब डिवीजन के बारे में भी रिलेशनशिप बताता है प्लेन स्केल। तो यहाँ देखिए, एक यूनिट तो है ही हमारे मीटर और उसके सब डिवीजन हमारे ये हो गए, तो इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप इसने निकाल के दिखाया। तो यहाँ भी आप 27 मीटर लिखेंगे, आप यूनिट ना छोड़ें, कोई बच्चा यहाँ 27 छोड़ के आ जाएगा तो वो mm समझा जाएगा, मीटर नहीं। तो ये यूनिट लिखने की भूल ना कीजिएगा बिल्कुल भी एग्ज़ाम में, ठीक है। तो यहाँ हमारी ख़त्म होती है ये प्रॉब्लम, और इसके अंदर आप H पेंसिल और 2H और 3H पेंसिल का ज़रूर ध्यान रखिएगा। ये 10 डिवीज़न भी आपके डायरेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, 10 डिवीज़न भी डायरेक्ट हो जाएंगे। तो इसके अंदर भी आपको इस तरीके से एक्यूट एंगल ड्रॉ करके और पैरल लाइन वाला काम करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो हाइट है ये मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी बताई है, ये कितनी रखी जाती है, 0.5 सेंटीमीटर हाइट पे, और बीच वाले डिवीज़न को थोड़ा सा हम इंक्रीज कर देते हैं लेंथ में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट प्लेन स्केल की प्रॉब्लम्स के साथ। थैंक यू वेरी मच।